हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक की योनो कैश फैसिलिटी के बारे में। आप जब कई बार बैंक जाते होंगे तो आपने सुना होगा कि वहां पे एक फैसिलिटी है योनो कैश। तो एक्चुअली ये है क्या, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे आप बगैर एटीएम कार्ड के अपने एटीएम से 20,000 रुपये तक विड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी एटीएम रखने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने एटीएम से, आप अपने अकाउंट से एटीएम के थ्रू 20,000 रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होता है आपके अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस। आपको अपने अकाउंट पर इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी एक्टिवेट करानी होगी उससे पहले। उसके बाद आपको वहाँ से एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आप एक योनो ऐप डाउनलोड करेंगे। उसमें लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा योनो कैश। योनो कैश ऑप्शन पर जाकर आप इसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही तरीके से करके दिखाऊंगा। एक तो मोबाइल में आप ऐप के थ्रू किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे एटीएम, स्टेट बैंक के एटीएम में, जहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली पैसे निकाल कर दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। देखिए, हम पहुँच गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद में हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है योनो SBI। तो आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको दो एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। एक योनो SBI है और एक दूसरा है योनो लाइट SBI। दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में ही आपको योनो कैश का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं जाता हूँ योनो SBI में। योनो SBI को ओपन करने के बाद मैं इसको लॉगिन करूँगा अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से। तो देखिए, इसमें MPIN और यूज़र आईडी दोनों में से किसी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज़र आईडी से लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरीके से ये एप्लीकेशन खुलेगा। इस एप्लीकेशन का ये होम पेज है। इस होम पेज पे आप देख रहे होंगे कि तीसरा ऑप्शन जो है वो योनो कैश का है। देखिए, अकाउंट्स, योनो पे, और तीसरा है योनो कैश। आप योनो कैश पर क्लिक करेंगे। योनो कैश पर क्लिक करने के बाद में आपको इस पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ATM, जिसमें लिखा है विड्रॉ मनी फ्रॉम SBI ATM विद ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ ₹20,000। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा अकाउंट सिलेक्शन के लिए। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपका एक ही अकाउंट है तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आएगा यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट भरेंगे, कितना अमाउंट आपको ATM से निकालना है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको एक पिन जनरेट करने के लिए बोलेगा। ये पिन केवल इसी ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड रहेगा। इस ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन होने के बाद में ये पिन डिस्पोज हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो देखिए, मैं पिन बना देता हूँ कोई भी। सिक्स डिजिट का ये पिन बनाना होता है हमको। नेक्स्ट करूँगा। मुझसे बोलेगा टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए, वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। देखिए, और कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद में आपको ये वाला मैसेज शो करेगा जो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पे मेरी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके तुरंत बाद आपको इनबॉक्स में एक मैसेज रिसीव होगा। उस मैसेज में आपको SBI एक यूनिक नंबर भेजता है इस ट्रांजेक्शन के लिए। देखिए, जैसे कि इसमें भेज दिया है मुझे, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन नंबर को लेकर के आप ATM पर जाएंगे और वहां पर योनो कैश ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो अब मैं आगे का प्रोसेस आपको ATM में जाकर बताऊंगा, इस नंबर का आप किस तरीके से यूज़ करेंगे और बगैर ATM कार्ड के आप वहां से कैसे पैसे निकाल पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग ATM की तरफ। पहुँच गए स्टेट बैंक के ATM पर। अब हमें यहाँ पे योनो कैश यूज़ करना है अपना, जो हमने ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल से किया है। तो देखिए, ये सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे योनो कैश, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो SMS के थ्रू आपको नंबर आया है, उस नंबर को यहाँ पे पुट करना है आपको। मैं कर देता हूँ, कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म करने के बाद में आपसे पूछेगा अमाउंट, जितने अमाउंट का आपने ट्रांजेक्शन किया उसको यहाँ पे पुट करना है और येस कर देना है। प्रोसेसिंग के बाद में आपसे बोलेगा जो आपने वहाँ पे 6 डिजिट का पिन सेट किया था अपना, जो इस ट्रांजेक्शन के लिए था स्पेशली, उसको पुट करने के लिए बोलेगा। वो मैं कर देता हूँ और उसके बाद कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद में आपको डायरेक्ट कैश मिल जाएगा ATM से। ये देखिए, जैसे ये मेरे को मिल गया, राइट। तो इस तरीके से आप बगैर ATM कार्ड के अपने स्टेट बैंक के अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं ATM से। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।